भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में कल रविवार को भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू, रांची संयोजक संजू विजय वर्गीय सहित पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर संजय सेठ ने कहा कि रांची की लोकसभा की सीट जनता के पास है। कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की। उस समय जेएमएम कांग्रेस के कार्यकर्ता घर में छिपे थे और प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय जनता लोकसभा चुनाव में काम के आधार पर वोट देगी। चुनाव से डरने वाले नहीं है, तनाव भी नहीं, स्ट्रेस भी नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और एग्जाम आता है तो एग्जाम को उसी अनुरूप लेते हैं। और ऐसे लोग छात्र भी होते हैं कि साल भर तो पढ़े नहीं, एग्जाम आ गया तो गेस पेपर लेते हैं और एग्जाम देने चाहते हैं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। तो 5 साल हम जनता के बीच में रहे, कोरोना हो, चाहे बीच में मेरा ऑपरेशन छोटा सा हुआ था, बीमार पड़े थे, उस समय भी घर में नहीं बैठे थे। आप पत्रकार मित्र बोलते थे हमको कि भाई आराम करो, कार्यकर्ता बोलते थे कि आराम करो, फिर भी घर पे नहीं बैठे। और मैं तो चुनौती देता हूँ आप सबके माध्यम से कि आप जाओ पिछले 5 साल को सोशल मीडिया मेरा खंगाल, एक दिन भी अगर छुट्टी ली हुई हो हमने, या हम घर पे बैठे हों, या 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर से कम घूमे हों, ये तो आप सब आकलन। आजकल तो सोशल मीडिया सब निकल पाता है, तो हम सब, मेरे को स्ट्रेस नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के भाव से ही काम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऊर्जा है, बिना रुके बिना थके, चरेवेति, हम सब कार्यकर्ता उसी ऊर्जा से, प्रधानमंत्री जी ऊर्जा लेकर काम कर रहे हैं। हम सम्मानित उपाध्यक्ष नीरज सिंह जी से आग्रह करते हैं कि मंच पर आएंगे और बड़े भाई संजीव विजय वर्गीय जी को अंगवस्त्र देके बुके देके उनका स्वागत करेंगे। अभिनंदन